नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोडेंट हैंडलिंग एंड रेस्ट्रेंट टेक्निक। तो रेस्ट्रेंट का मतलब होता है हम एनिमल की जो है मूवमेंट को कम से कम करते हैं ताकि उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकें उसके मूवमेंट को, ताकि हम जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं, कोई ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं या कोई उसकी मार्किंग कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं उसका बैलेंस के ऊपर, तो वो हम इजीली कर सकें। आपकी जो हैंडआउट में जो भी प्रोसीजर मेंशन है उसकी ये जो क्लिप है डिमॉन्स्ट्रेशन है उसकी, ठीक है, प्रैक्टिकल, तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। और जब आप उसको पढ़ेंगे भी ये देखने के बाद तो आप समझ जाएंगे, बहुत इजी मतलब इंग्लिश वर्ड्स में लिखा हुआ है। अच्छा, रोडेंट हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रोडेंट्स तो आप पता ही है कौन से एनिमल्स होते हैं, रैट्स हो गए, माइस हो गए, और इतनी केयरफुल हमें करनी होती है। अगर हम जरा सी भी रॉन्ग हैंडलिंग जो है इनके अंदर, इनके फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स और वाइटल्स जो है वो डिस्टर्ब कर देती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट या रेस्पिरेटरी रेट, ये डिस्टर्ब हो सकते हैं और जिससे हमारे रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंट के वो अफेक्ट हो सकते हैं, वो फॉल्स पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकते हैं। तो कम छोटे से छोटा प्रोसीजर जैसे कि केज चेंजिंग हो गया। केज चेंजिंग हम रूटीन में कर रहे होते हैं और ये भी अगर रॉन्ग अगर परफॉर्म किया जाए हैंडलिंग में तो ये भी फ्लक्चुएशन कर सकता है ब्लड प्रेशर में या फिर रेस्पिरेटरी हार्ट रेट। और ये जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं ये फॉर द टाइमिंग नहीं होती टेम्परेरीली, ये बहुत घंटों तक रहती हैं, तो आप घंटों तक जो है एनिमल के दोबारा हैंडल नहीं कर पाएंगे। और कभी कभी हमें एक्सपेरिमेंट रिपीट करना पड़ जाता है रॉन्ग हैंडलिंग की वजह से। ये जो रेस्ट्रेनिंग मेथड्स हैं ये हमें अगर एनिमल से ब्लड ड्रॉ करना है या इंजेक्शन लगाने हैं तो हमें ये आना चाहिए, और ये साइंटिफिक डेटा को बहुत अफेक्ट करता है, तो इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा, ताकि एनिमल को कम से कम ट्रॉमा। तो इस वीडियो में जो है हम पहले बात करेंगे एनिमल हैंडलिंग की प्रॉपर, फिर उसके बाद जो है रेस्ट्रेनिंग मेथड्स कौन कौन से अप्लाई होते हैं रोडेंट्स में, और रेस्ट्रेनिंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, मैनुअली हम किस तरह से रेस्ट्रेन कर सकते हैं एनिमल को। ये सारे प्रोसीजर्स जो हैं ह्यूमेन मेथड से फॉलो किए जाते हैं, मतलब ये है कि जो मेथड अडॉप्ट हो वो एनिमल वेलफेयर के अगेंस्ट ना हो, उसमें कोई हार्म नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी पेनफुल, तो वो पेन फ्री होना चाहिए मेथड, मतलब ह्यूमेन उसको कहते हैं। और जितने भी प्रोसीजर हम करते हैं वो एनिमल इथिकल कमेटी हर इंस्टीट्यूशन की होती है, हर यूनिवर्सिटी की होती है, उससे अप्रूव होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आपका जो भी प्रोटोकॉल है उसके लिए एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन होती है एनिमल स्टडीज करने से पहले, और वो अप्रूवल चाहिए होती है। उसकी अप्रूवल जो है हम रेफरेंस उसका जो देते हैं वो ये है इंस्टीट्यूशन एनिमल केयर एंड यूज कमेटी IACUC, ये पूरी दुनिया में ये रेफरेंस फॉलो किया जाता है। और फिर लोकल रेफरेंस जो है वो हर इंस्टीट्यूशन का अलग होता है एनिमल इथिकल कमेटी का, विच शुड नॉट बी अगेंस्ट एनिमल वेलफेयर राइट्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक्स ऑफ रोडेंट्स हैंडलिंग। तो सबसे कॉमन मेथड जो है हैंडल करने के लिए माउस या रैट को, वो है उसकी टेल से। अब टेल को जो है ये देखें ये बेस से पकड़ा हुआ है, तो हम उसको ग्रास्प करेंगे उसकी बेस से, टिप से नहीं, इस तरह से टेल टूट सकती है क्योंकि बॉडी वेट उसका ज़्यादा होता है और वो एम्प्यूटेशन हो सकती है उसकी टेल की, मतलब टूट सकती है। और ये बहुत जल्दी जल्दी हमें करना होता है अगर हम केजेस चेंज कर रहे हैं, ताकि उनकी क्लीनलीनेस के लिए रोज़ाना हमें ये परफॉर्म करना होता है, मतलब केजेस चेंजेस रोज आना होते हैं केज चेंज एनिमल के। अच्छा, अब और हैंडलर जो, अब देखें ये हैंड नीचे नहीं रखना है, इट कैन बाइट, तो ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे हाथ नीचे ना रखें। इसके अलावा फोर्सेप्स भी इस्तेमाल होती हैं, ये एक खास फोर्सेप होती है जिसके नीचे रबड़ लगी हुई होती है और ये पेन नहीं होता जिससे एनिमल को, हम इसे डिसइंफेक्ट करते हैं इथेनॉल से 70%। एक तरह से ये कुशन प्रोवाइड करता है। गर्दन के पीछे जो एक लूज स्किन होती है माइस के, उसे कहते हैं स्क्रफ, माइस या रैट स्क्रफ कहते हैं, SCRUFF। हम यहाँ से उठा के एक दूसरे केज में डाल देते हैं, तो हमें ये बहुत क्विकली करना होता है।
हमें उसके बाद फोर से वापस रख देते हैं, स्टोर कर देते हैं 70% इथेनॉल में ताकि डिसइनफेक्ट कर सकें। एक और मेथड ये है कि एक छोटी छोटी सी ट्यूब्स यूज कर सकते हैं इसमें, ये माइस के लिए बहुत कॉमनली होता है। और माइस जो है वो इन जगहों पे छुपने की बहुत मतलब नेचुरली वो हाइड करता है अपने आप को, और वो बहुत सिक्योर फील करता है, इस वजह से इट लव्स टू गो इनसाइड दीज ट्यूब्स, और वो आराम से हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक दूसरे केजेस में। वैसे जितने भी रोडेंट्स हैं वो सब अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, इसीलिए दे ऑलवेज रात को जागते हैं, अवेकन इन द नाइट। अच्छा ये बात हो रही, अब ये देखिए, अच्छा ये तो ट्यूब्स, ट्यूब से हम इस तरह से ट्रांसफर कर रहे हैं, और यहाँ पे ये जो है ये चाव है, दिस इज द एनिमल फूड। अब रैट के ऊपर आ जाते हैं, रैट के लिए जो है हम टेल बहुत कम यूज करते हैं, हैंड से ग्रैब करके ट्रांसफर करते हैं केजेस में, क्योंकि हैवी बहुत होता है, और अगर हम टेल से कर ही रहे हैं तो बहुत बेस से करेंगे उसको पकड़ेंगे। ये बेबी रैट है मतलब दे आर पप्स, तो इनको कप करके हम डाल सकते हैं बहुत जल्दी जल्दी क्विकली। अच्छा ये है न्यूनेट्स, तो इनको भी हम पप्स बोलते हैं, और ये दे आर ब्लाइंड, और इनको हम इनके वुड शेडिंग के साथ ही डालेंगे। ये मदर रेड है यहाँ पे, इसको डैम कहते हैं, वो इसलिए डालेंगे मैं आपको बताना चाहती हूँ। अच्छा इसमें होता ये है, जैसे आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, इट इज अ डैम राइट, और ये बहुत सारे पप्स होते हैं एक साथ जो कि बर्थ इनकी होती है, मतलब डिलीवर किए जाते हैं अराउंड 10 इन अ लीटर, लीटर साइज जो है वो 10 होता है। तो दे आर ब्लाइंड, ये जो न्यूनेट्स होते हैं ना, दे आर ब्लाइंड बाय बर्थ, और ये होता है कि हम इनको, इनकी ऑर्डर चेंज नहीं करते, इनके एनवायरनमेंट को चेंज नहीं करते। अगर इनके एनवायरनमेंट को चेंज करेंगे हम, तो इनकी जो मदर है वो स्ट्रेसफुल हो जाती है, जब वो स्ट्रेस में आती है तो इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कैनिबलिज्म की। तो समटाइम व्हाट हैपेंस कि जो मदर रैट या मदर माइस होती हैं, समटाइम्स इट ईट्स इट ओन बेबीज, अगर उन्हें लगता है कोई खतरा है पप्स को तो वो खुद ही खा जाती है। और ये हार्मोनल होता है वैसे ये सारा इफेक्ट, और इसके अलावा ये है कि दे रिलीज फिरोमोन्स, फिरोमोन्स कुछ केमिकल है जो रिलीज होता है जिससे ये पहचानते हैं ओडर से एक दूसरे को, जैसे कि अगर कोई ह्यूमन इनको हैंडल कर रहा होगा तो इन उसकी ओडर से ये पहचान जाएंगे। दोबारा अगर कोई, अगर सेम ह्यूमन अगर दोबारा उसको हैंडल करेगा कोई इंसान, तो ये पहचान जाएंगे कि मैं जो हूँ सेफ जोन में हूँ, और ये मुझे पहले हैंडल कर चुका है या कर चुकी है। तो ये जो पप्स हैं हम इनको ऐसी इन्वायरमेंट इनका चेंज नहीं करते, बस ये याद रखना है। रैट्स और माइस की टेंडेंसी फॉर द ओलफेक्शन, इनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और इनकी जो विजुअल एक्विटी है, इनकी देखने की सलाहियत वो बहुत कम होती है, क्योंकि ये एल्बिनो होते हैं ये, और इनकी आइज जो है वो रेड होती हैं। तो ह्यूमंस में भी जो एल्बिनोज होते हैं वो भी, उनकी भी देखने की सलाहियत बहुत कमज़ोर होती है। इसके अलावा हम जो पप्स हैं उनको हम इससे एक उससे डाल सकते हैं प्लास्टिक के, स्कूप से, और इनका ब्रेन डैमेज नहीं करना है हमें, बहुत केयरफुली डालना है क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, हमें इनके रोजाना हम इनका वेट करते हैं तो हमें हैंडलिंग तो करनी पड़ती है। एक और जो माइस होते हैं ट्रांसजेनिक माइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ट्रांसजेनिक माइस वो होते हैं जिनका हम जीन्स जो है, जीन एक नॉकआउट कर देते हैं, मतलब कि एब्सेंट होता है उनमें, तो हम उन पे कोई ड्रग एडमिनिस्टर करके अगर हम उन पे कोई इफेक्ट देखना चाह रहे हैं फिजियोलॉजिकल, तो वो हम देख सकते हैं। एक कंट्रोल वो होगा जिसके अंदर जीन मौजूद होगा, और जो ट्रीटेड होगा उसके अंदर जीन मौजूद नहीं होगा, हम दोनों पे ड्रग के इफेक्ट्स देखेंगे। अच्छा मैनुअल रेस्ट्रेनिंग मेथड, हम अब बात कर रहे हैं रेस्ट्रेनिंग की, पहले हैंडल कैसे कर सकते हैं। अब रेस्ट्रेनिंग क्यों करते हैं हम, हमें कोई, ताकि हमें ड्रग या कोई भी मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी है उसके लिए,
तो इसके अलग अलग मेथड हैं. वन नंबर वन मेथड इज वन हैंडेड. तो एक और है टी रेक्स ग्रिप, एक और है ये क्रिस क्रॉस मेथड. अब दो हाथों से किस तरह से रेस्ट्रेन करते हैं. वी पुट द एनिमल ऑन समथिंग ताकि ये कुछ ग्रैब कर सके, होल्ड कर सके अपने आप को. लेट पे रखेंगे और इसको पीछे मतलब इसकी टेल से जो है वो ड्रैग करेंगे, और इसकी जो लूज स्किन है स्क्रफ जो है गर्दन, यहाँ से पकड़ के हम इसको इस तरह से स्टेबलाइज कर देंगे ताकि ये मूव ना कर सके, और यहाँ से हम इस डोज दे सकते हैं, चाहे ओरल दें या इंट्रापेरिटोनियल दें, और टेल को इस तरह से आप दबा देंगे. वन हैंडेड किस तरह करना है, हमें वन हैंडेड हमेशा जो है इस तरह करना है कि आपका जो नॉन डोमिनेंट हैंड है उससे आप एनिमल को हमेशा पकड़ेंगे, और जो आपका डोमिनेंट हैंड है उससे आप डोज देंगे, इंजेक्शन देंगे या फिर ओरल गवाच से उसको मेडिसिन जो है ओरली देंगे. तो हमेशा अगर हम डोज दे रहे हैं तो उसके लिए हमें जो मेडिसिन है, ड्रग है, वो हमें अपने डोमिनेंट हैंड से देनी है, और जो एनिमल को पकड़ना है वो हमें नॉन डोमिनेंट हैंड से पकड़ना है. इसका मतलब ये है अगर कोई राइट हैंडेड है तो वो क्या करेगा कि लेफ्ट हैंड से वो एनिमल को पकड़ेगा और राइट हैंड से डोज देगा, और अगर कोई लेफ्ट हैंडेड है तो वो आपके राइट हैंड से एनिमल को पकड़ेगा और लेफ्ट हैंड से डोज देगा. ठीक है, तो ये अच्छा पीछे से एनिमल को वही सेम मेथड से फॉलो करके इसको लूज स्किन से पकड़ के और पीछे से खींच के इस तरह से हम होल्ड कर लेते हैं ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए, और डॉर्सल साइड से इसकी स्किन को हमें पकड़ना है टाइटली. अच्छा, ये टी रेक्स ग्रिप में जो है मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करते हैं, और ये ज़्यादातर रैड के लिए इस्तेमाल होता है. रैड को हम ऐसी चीज़ पे रखेंगे ताकि वो कुछ पकड़ सके आगे से. तो ये इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से हमने बहुत टाइटली पकड़ा है इसको, स्कल की तरफ से. सारा कंट्रोल हेड का होता है इसमें. इस तरह से स्टेबलाइज कर देना है. चेस्ट को बहुत टाइटली नहीं हमें प्रेस करना. अब बेस ऑफ द टेल हमें इस तरह से पकड़नी है. अब ओरल गवाच भी दे सकते हैं हम, या फिर इस तरह से पकड़ के हम इंजेक्शन भी दे सकते हैं. कोई दूसरा होगा खड़ा हुआ आपका, मतलब आपका कोई साथी, तो वो दे देगा. अच्छा, क्रिस क्रॉस मेथड में क्या है, अगेन हम एनिमल को किसी ऐसे मैट पे रखेंगे कि वो स्टेबलाइज हो सके, थोड़ा आगे कुछ पकड़ ले, और फिर हम हाथ से ग्रैब कर लेंगे एनिमल को प्लेन, कोई फिंगर से नहीं, ताकि इसके फोर लिम्स जो हैं वो क्रॉस कर जाएं. और आप देखें इसका जो माउथ है वो ओपन नहीं हो सकता है इस तरह से. और चेस्ट को बहुत टाइटली नहीं हमें पकड़ना है. अब बात कर रहे हैं रोडेंट रेस्ट्रेन डिवाइसेस के लिए. ये जो डिवाइसेस हैं अगर हमें टेल को फ्री करने के लिए होती हैं, टेल के अंदर वेन होती है, तो इंट्रावेनसली अगर हमें डोज देनी है तो ये इसलिए हमें इस्तेमाल होती हैं ये डिवाइसेस, या फिर हमें वेन से अगर ब्लड चाहिए एनिमल के तो हम वहाँ से टेल से ब्लड भी निकाल सकते हैं. ये एक डिवाइस है, ये माइस के लिए यूज हो रही है, और इसको बैक साइड से हम इंसर्ट करेंगे एनिमल को इसकी, ताकि इसकी टेल फ्री हो जाए. ये माइस के लिए है, और इसकी नोज के जो नॉस्ट्रल्स हैं वो बिल्कुल मतलब नज़र आने चाहिए ताकि वो सांस ले सके. बहुत टाइटली नहीं करनी है ये पोजीशन. एक और डिवाइस है ये फ्लैट बॉटम रोडेंट रेस्ट्रेनर, एक सिलेंड्रिकल टाइप डिवाइस होती है. हर लैब में डिफरेंट डिफरेंट होती हैं. अब इसमें ये भी माइस के लिए होती है या फिर छोटे रैट्स के लिए यूज हो सकती है, पप्स. अब यहाँ से एनिमल को इंसर्ट करेंगे बहुत केयरफुली. जो भी प्रोसीजर करेंगे मेक श्योर वी शुड नॉट स्ट्रेस द एनिमल. हमें पेन फ्री करना है एनिमल को, हमें पेनलेस हैंडलिंग करनी है, बहुत स्मूथली करनी है. अगर एनिमल स्ट्रेस में है तो छोड़ दें उसे कुछ टाइम बाद, डू इट अगेन. ठीक है, क्योंकि अगेन अगर वो स्ट्रेस में होगा तो उसके वाइटल्स डिस्टर्ब होंगे, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर कैन बी इंक्रीज,
और अगर कॉर्टिकोस्टेरॉन इंक्रीज है तो वो आपके अफेक्ट करेगा रिजल्ट्स को। ये रैट के लिए है ये डिवाइस, ट्यूब ब्रेस्ट ट्रेनर। दिस इज फॉर द बिग एनिमल लाइक रैट। तो हम बहुत केयरफुली इंसर्ट करेंगे। और फिर इसको क्लोज कर देंगे, ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे किसी भी चीज से ताकि वो एनिमल बाहर नहीं निकल सके यहाँ से। देखिए टेल फ्री है और यहाँ से हम इसकी ब्लड भी ड्रॉ कर सकते हैं, डोज भी दे सकते हैं। अच्छा ये खुद भी बना सकते हैं ये कोन प्लास्टिक की, और इससे भी रेस्ट्रेन कर सकते हैं बहुत इजीली। लेकिन आगे से जो है वो प्लास्टिक की कोन को हमें कट करना है ताकि वो सांस ले सके। एक और इंट्राविनस और ब्लड ड्रॉ करने के अलावा ये जो है डिकैपिटेट करने में बहुत आसानी होती है। इस तरह डिकैपिटेट का मतलब होता है चॉपिंग द हेड, हेड को चॉप करना। तो एक डिवाइस है गिलोटीन, जिससे हम हेड चॉप करते हैं एनिमल का। कभी कभी हमें ये ज़रूरत होती है प्रोसीजर्स में, तो इससे कर सकते हैं। अच्छा हमें क्यों, हमें रेस्ट्रेनिंग की और एनिमल हैंडलिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है, उसकी एप्लीकेशन बताई जा रही है इन वीवो स्टडीज में। तो बेसिक हैंडलिंग और प्रोसीजर के लिए एक तो है कि एनिमल हेल्थ मेंटेन करने के लिए। एक तो हम रोजाना केजेस चेंज करते हैं एनिमल का डोज और एनिमल की बॉडी वेट, जहाँ पे जैसे हो रहा है पप्स का, हर दिन हम पप्स का बॉडी वेट करते हैं ताकि उनकी ग्रोथ पता चले कि वो नॉर्मल ग्रोथ हो भी रही है या नहीं हो रही है। इस तरह से सारे एनिमल्स जो भी आप कर रहे हैं सबके वेट करना होता है। सेकेंड ये है कि आइडेंटिफिकेशन, मतलब हम एनिमल को पहचानेंगे कैसे। तो हम ये पंचिंग कर दी इसके कान पे या फिर इसकी टेल पे भी लगाते हैं मार्क। और दी थर्ड है कंपाउंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम यहाँ पे ड्रग दे रहे हैं, डोज दे रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये था कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एनिमल को, कि यहाँ वही एनिमल है जिसको हमें दवाई देनी है, तो हम मार्किंग करते हैं उसकी। तो ये सारे मेथड्स थे। आई होप यू हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस। अच्छा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अग्रेसिव हैंडलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अग्रेसिव हैंडलिंग से जो है वो एनिमल स्ट्रेस में आ जाता है, और बहुत ही लाइटली भी नहीं करनी है कि वो बाइट कर ले। तो इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस चाहिए। तो इट कैन बी डन दैट इजीली, इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। अच्छा ये सारा रेस्ट्रेनिंग प्रोसीजर जो है हमने ये पढ़ चुके हैं, और ये भी कर लिया है, ये भी हो चुका है। अच्छा यहाँ तक इसकी बात है, इंजेक्टिंग ड्रग्स इन एक्सपेरिमेंटल माउस, ये मैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में कराऊंगी। ठीक है, तो ये जो है जस्ट लीव इट फॉर द थर्ड एक्सपेरिमेंट। ये दिस इज ऑल थर्ड एक्सपेरिमेंट, लेकिन ये सेकंड में आ गया है, आप इसको थर्ड में ही कंसिडर कीजिएगा। ठीक है, व्हेन द हैंड आउट वॉज मेड इट वॉज नॉट कंसिडर्ड। अच्छा ये रैट माइस के बारे में पढ़ लिया था, रैट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका साइंटिफिक नेम याद रख लीजिएगा, रेटस नॉर्वेगिकस होता है। और इसके अलावा ये है कि दो स्ट्रेन बहुत कॉमनली यूज होते हैं, ये लिखा हुआ है स्प्रेड डॉली और विस्टार। स्मॉल साइज होता, एक इम्पॉर्टेंट बात याद रख लें, गॉल ब्लैडर और टॉन्सिल्स इनमें एबसेंट होते हैं। तो अगर हम कोई स्टडी कर रहे हैं जिसके अंदर बाइल और कोलेस्ट्रॉल की रीअब्सॉर्प्शन देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए रैट इज द परफेक्ट एनिमल। वॉमिटिंग सेंटर रैट और माइस दोनों में एबसेंट होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इन्हें ओरल डोज देंगे तो ये वॉमिट आउट नहीं कर सकते, अनटिल एंड अनलेस आपकी हैंडलिंग अगर प्रॉपर है। तो अगर हैंडलिंग ही प्रॉपर नहीं है तो डोज तो अंदर जाएगी ही नहीं। अच्छा इसके अलावा ये है कि इनके स्टमक, फंडस, पैरोलिक, पायलोरिक पार्ट्स ये क्लियर होते हैं सब। अच्छा एक्सपेरिमेंटल यूजेस मोर और लेस सिमिलर ही हैं माइस की, बस थोड़ा सा फर्क ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज के लिए हम 99% जो है वो रैट्स ही लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो ट्रांसजेनिक नॉकआउट माइस भी ले रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा ये वेट मेंशन है, सेम एक्सपेरिमेंटल यूजेस माइस वाले ही हैं।
रेस्ट्रेनिंग टेक्निक आपने देख ली है, और इसकी जो ये है इंजेक्टिंग ड्रग्स इन एक्सपेरिमेंटल, ये नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में आ जाता है आपके। अच्छा, रैबिट का देख लीजिए प्लीज। रैबिट का जो साइंटिफिक नेम है वो है ऑरेक्टोलेगस कनिकुलस। ये बहुत डोसाइल होते हैं, डोसाइल का मतलब ये होता है बहुत इजीली हैंडल हो सकते हैं। अच्छा, और ये बहुत कॉमनली यूज स्ट्रेन इसका याद रख लीजिएगा, न्यूजीलैंड वाइट रैबिट है। अच्छा, एट्रोपीन की एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत कॉमनली यूज बहुत ही कॉमन एक्सपेरिमेंट है जो कि रैबिट पे किया जाता है, रैबिट की आइज के ऊपर। और इसमें हम मायोसिस और मिड्रियासिस देखते हैं। मिड्रियासिस का मतलब होता है डायलिटेशन ऑफ द आई, और मायोसिस होता है आई प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन, डायलिटेशन ऑफ द प्यूपिल सॉरी। तो ये हम एट्रोपीन के इफेक्ट्स देखते हैं, पिलोकार्पिन के इफेक्ट्स देखते हैं, ये प्रोबेबली इन द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आप ये देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक्सपेरिमेंट देख लें जो कि किए जाते हैं। वेट इसका 1.5 to 3 kg होता है। पायरोजन टेस्टिंग का मतलब है रैबिट्स के ऊपर जो है वो फीवर के लिए, फीवर चेक करने के लिए एंटी पायरेटिक, पायरेक्सिया फीवर को कहते हैं, तो पायरोजन की वजह से ही फीवर होता है, वो हम बहुत कॉमनली कर रहे होते हैं। बायो एसओ ऑफ एंटी डायबिटिक क्यूरेयर फॉर्म ड्रग्स। अच्छा, तो एंटी डायबिटिक और क्यूरेयर फॉर्म ड्रग वो होती हैं जो मसल रिलैक्सेंट होती हैं। मसल रिलैक्सेंट सेक्स हार्मोन इनकी स्टडी की जाती है, जैसे टेस्टोस्टेरॉन हो गया, ईस्ट्रोजन हो गया। अच्छा, कैपिलरी परमेबिलिटी भी जो अफेक्ट करती हैं ड्रग्स, जैसे कि हिस्टामिन है, ब्रेडिकाइनिन है, ये कैपिलरी परमेबिलिटी को बढ़ाती हैं। कैपिलरी परमेबिलिटी का मतलब है वेसल्स जो हैं उनकी परमेबिलिटी, फॉर एग्जांपल वायरल फीवर में जैसे बढ़ जाती है, तो हम मॉलिक्यूल्स अगर वेसल्स में से कुछ आयंस वगैरह हैं बहुत ट्रांसफर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लाज्मा जो है लीक कर रहा है, तो वो पड़ गई है कैपिलरी परमेबिलिटी की, तो उन वो एजेंट्स जो अफेक्ट कर रहे होते हैं उनकी स्टडी होती है। अच्छा, इरिटेंसी टेस्ट वो होते हैं जैसे जिसका मैंने अभी पहले जिक्र किया था, आइज आइज में कोई भी हम सब्सटेंसेस डालते हैं जैसे इरिटेशन होती है, और जो प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन या डायलिटेशन होती है वो इरिटेंसी टेस्ट है। एंटी टॉक्सिक एजेंट या एंटीडोट हो गए, या उनकी हम स्क्रीनिंग करते हैं या असेसमेंट करते हैं। टेराटोजेंस वो हैं जो फीटस की डेथ कॉज कराते हैं। अच्छा, एंटी इनफर्टिलिटी, एंटी फर्टिलिटी एजेंट्स जो कि फर्टिलिटी को, जो कि ऑब्वियसली एंटी फर्ट मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, यहाँ बात हो रही है। अच्छा, आइसोलेटेड प्रिपरेशन लाइक हार्ट, ड्यूडेनम, इलियम। हाँ, ये जब ये इनविट्रो स्टडीज हैं ये हम करते हैं इलियम को निकाल के। मैंने आपको इसी लेक्चर में बताया था एंटी स्पाज्मोटिक या स्पाज्मोलाइटिक एक्टिविटी, तो वो हम यहाँ इसकी ड्यूडेनम निकाल के आइसोलेटेड ऑर्गन बाथ में हम अटैच करके हम चेक कर सकते हैं, करते हैं यूजुअली। लोकल एनेस्थेटिक हम देखते हैं, हाँ, आइज के ऊपर देखते हैं हम आइज, और मिड्रियाटिक माइटोटिक इसके मैं आपसे बता चुकी हूँ, आइज के ऊपर ये भी देखते हैं, ठीक है।